हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। यहाँ पर इस वीडियो में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाले स्कूटर्स के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप भी इस फेस्टिवल सीजन कोई स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं जो ज्यादातर माइलेज वाली हो, यानी कि जो ज्यादा माइलेज दे। वैसे तो अगर आप कोई स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो उससे माइलेज देने का ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप बाइक पहले से चला चुके हैं तो ऐसे में स्कूटर अगर आप चलाएंगे तो माइलेज बाइक के मुकाबले में काफी कम मिलती है। तो स्कूटर्स वही लोग ज्यादा यूज करते हैं जो सिटी में राइड करना होता है, ज़्यादा लंबी दूरी नहीं करनी होती है, क्योंकि स्कूटर्स में ज़्यादा माइलेज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इंडियन मार्केट में जितने भी स्कूटर शामिल हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो स्कूटर्स माइलेज देते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी देने वाले हैं। हो सकता है कि इनमें से कोई एक आपकी पसंद बन सकती है जिसको आप इस समय खरीदने के सोच रहे होंगे। उसके साथ मैं उसका प्राइस भी आपको बता दूंगा कि उसका प्राइस क्या रखी गई है। तो आइए डिटेल जानकारी आपको देते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। या हम सबसे पहले 8th नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो 8th नंबर में आने वाली सुजुकी कंपनी की अवेनिस 125 है। इंडियन मार्केट में कुछ टाइम पहले अभी लॉन्च हुई है और काफ़ी अच्छी मात्रा में ये बेची भी जाती है। 125 सीसी इंजन के साथ मिल जाती है। इसमें आपको 45 से 50 kmpl तक अप्रॉक्स माइलेज मिल जाएगी। इसमें आपको फीचर्स कई सारे मिल जाते हैं। LED लाइट्स लगा हुआ है, फुली डिजिटल डिस्प्ले मिल जाती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आती है, USB चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है जहाँ से आप मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। और इस स्कूटर में आपको एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग मिल जाती है जो कि पेट्रोल भरवाते समय काफ़ी अच्छी होती है अगर बाहर फ्यूल फिलिंग दी होती है तो। प्राइसिंग की अगर बात करिए तो स्टैंडर्ड मॉडल का जो एक्स रूम प्राइस है एवेनिस 125 का 87,500 यानी कि 87,500 रुपये तक है। लेकिन राइड कनेक्ट के साथ लेंगे तो वो थोड़ी सी महंगी है, 89,000 रुपीज़ तक एक्स रूम प्राइस है। ऑन रोड प्राइस एक्स रूम प्राइस से 12,000 से 15,000 रुपये तक ज़्यादा हो सकती है, तो आप उसमें वो ऐड कर लीजिएगा। एक्सेसरीज लगवाते हैं तो प्राइस और भी बढ़ सकती है। और यहाँ पे जो भी मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ एक्स रूम दिल्ली का बता रहा हूँ, अगर आप किसी और भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो प्राइस थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस लिस्ट में जो 7th नंबर पे TVS कंपनी की आने वाली एंटॉर्क है, इसका भी लुक कहीं ना कहीं अवेनिस की जैसी आपको देखने को मिल जाती है। और ये अवेनिस से काफ़ी पहले से आई थी इंडियन मार्केट में। ये भी 125 सीसी में स्कूटर आती है। जिन लोगों को थोड़ा सा स्पोर्टी सेगमेंट में स्कूटर चाहिए होता है वो लोग एंटॉर्क को ज़्यादा पसंद करते हैं। इसमें भी आपको 45 से 50 kmpl तक अप्रॉक्स माइलेज मिल जाएगी। और इसमें आपको फीचर्स काफ़ी सारे मिल जाते हैं, लगभग 60 से भी ज़्यादा इसमें फीचर्स दिए गए हैं। फुली डिजिटल डिस्प्ले मिल जाती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है। और प्राइसिंग की अगर बात करें तो इसकी जो एक्स रूम प्राइस है दिल्ली में बेस वेरिएंट के साथ 79,956 यानी कि 79,956 रुपये तक है। लेकिन जो टॉप मॉडल है 99,961 यानी कि 99,961 रुपये तक है। और इसका जो टॉप मॉडल है XT वेरिएंट है। कंपनी इसमें कई सारे आपको अलग अलग वेरिएंट देती है जिसमें आपको अलग अलग ग्राफिक्स भी देखने को मिल जाएगी, तो जो आपको पसंद आए अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो इस लिस्ट में 6th नंबर पे यामाहा कंपनी की आने वाली फसिनो 125 है। ये लुक वाइज थोड़ा सा रेट्रो डिजाइनिंग की आपको देखने को मिल जाती है, क्लासिक लुक देती है। इसमें आपको 50 kmpl तक अप्रॉक्स माइलेज मिल जाती है। ये भी 125 सीसी में आने वाली स्कूटर है जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी कलर ग्राफिक्स भी देखने को मिल जाती है। कंपनी कई सारे कलर देती है लेकिन इसमें आपको एक कमी देखने को मिल जाती है, इसमें फ्यूल फिलिंग सीट के नीचे दी गई है। इसमें भी आपको फुली डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है, यामाहा वाई कनेक्ट ऐप के जरिए इसको कनेक्ट कर सकते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो एक्स रूम दिल्ली में ड्रम ब्रेक वेरिंग के साथ 76,100 यानी कि 76,100 रुपये तक है। डिस्क ब्रेक वेरिंग के साथ 85,030 यानी कि 85,030 रुपये तक एक्स रूम प्राइस है। तो इस लिस्ट में 5th नंबर पे सुजुकी कंपनी की आने वाली एक्सेस 125 है। ये स्कूटर टॉप 3 सेलिंग स्कूटर्स भी है जो कि 125 सीसी में आपको देखने को मिल जाती है। इसमें भी आपको 50 kmpl तक अप्रॉक्स माइलेज मिल जाएगी। इसमें आपको एनालॉग मीटर और डिजिटल मीटर का ऑप्शन भी मिल जाता है, मोबाइल कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन इसमें दिया जाता है। और इसमें फ्रंट में पॉकेट भी दिया गया है जहाँ पे USB सॉकेट आपको देखने को मिल जाता है, स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो कई सारे वेरिएंट आपको अलग अलग मिल जाती है। जो बेस वेरिएंट है स्टैंडर्ड मॉडल एक्स रूम प्राइस 77,600 यानी कि 77,600 रुपये तक है। तो वहीं राइड कनेक्ट के साथ एक्स रूम प्राइस 85,200 यानी कि 85,200 रुपये तक है। जो प्राइस स्टार्ट होती है इससे भी ज़्यादा आपको इसका जो स्पेशल एडिशन है वो आपको मिल जाती है, तो प्राइसिंग आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगी। तो इस लिस्ट में 4th नंबर पे है ये होंडा कंपनी की आने वाली एक्टिवा 6G है। इसकी जगह पे आप होंडा डियो को भी ले सकते हैं, लुक वाइज जो आपको पसंद आए, सेम इंजन दोनों में लगा हुआ है। इसके अलावा अगर आप डियो लेंगे तो वहाँ पे आपको फुली डिजिटल डिस्प्ले मिल जाएगा, और एक्टिवा लेते हैं तो वहाँ पे आपको बेसिक सा एनालॉग मीटर मिल जाता है। और होंडा एक्टिवा 6G सबसे ज़्यादा बेची जाने वाली स्कूटर भी है, हालांकि इसमें माइलेज आपको 50 से लेकर 53 kmpl तक देखने को मिल जाती है। प्राइसिंग की बात करें तो अगर आप होंडा डियो लेते हैं तो एक्स रूम प्राइस 68,352 यानी कि 68,352 रुपये से स्टार्ट होती है। तो एक्टिवा 6G का जो प्राइस है 73,086 यानी कि 73,086 रुपये से स्टार्ट होती है। इसमें भी आपको अलग अलग कलर ऑप्शन देखने को मिल जाती है और अलग अलग वेरिएंट भी आपको देखने को मिल जाती है। तो इस लिस्ट में जो 3rd नंबर पे है हीरो कंपनी की आने वाली प्लीजा प्लस है, ये थोड़ा सा अच्छे लुक के साथ मिल जाती है।
और इसमें कंपनी एक एक्स्ट्रा वेरिएंट भी देती है जिसमें आपको थोड़ा ज़्यादा फीचर्स मिल जाता है। माइलेज की बात करें तो इसमें आपको 55 की एमपीएल तक की प्रॉक्स माइलेज मिल जाएगी। 110 सीसी में आने वाली स्कूटर है जहाँ पे आपको डिजिटल एनालॉग मीटर कंसोल मिल जाता है। इसमें भी एक कमी आपको देखने को मिल जाएगी, सीट के नीचे फ्यूल फिलिंग दी गई है। एक्टिवा की तरह आपको एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग इसमें देखने को नहीं मिलती है। बाकी प्राइसिंग की बात करें तो एक्स रूम दिल्ली में 66,768 रुपये से स्टार्ट होती है। जो एक्सटेक वेरिएंट है 75,868 रुपये से इसकी एक्स रूम प्राइस स्टार्ट होती है। तो अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग आपको प्राइसिंग देखने को मिल जाएगी। प्राइसिंग फीचर्स के हिसाब से आपको मिलेगा, ज़्यादा फीचर्स लेंगे तो वो वेरिएंट थोड़ी सी आपको महंगी मिलेगी। तो इस लिस्ट में जो सेकेंड नंबर पर है वो टीवीएस कंपनी की आने वाली जुपिटर 110 है। टीवीएस जुपिटर में भी आपको कंपनी कई सारे अलग अलग वेरिएंट देती है, क्लासिक लुक वाली भी मिल जाती है। लेकिन 110 सीसी में जितने स्कूटर आते हैं सेम आपको माइलेज मिल जाएगी, लगभग 55 से 60 के एमपीएल तक माइलेज मिल जाती है, जो कि टेस्टेड माइलेज भी है। हालांकि स्कूटर्स जब थोड़े से पुराने हो जाते हैं तो वहाँ पे आपको माइलेज थोड़ी सी कम मिलना शुरू जरूर हो जाती है। और इसमें कंपनी 5 वेरिएंट अलग अलग देती है। 110 सीसी का इंजन लगा हुआ है जहाँ पे आपको डिजिटल मीटर और एनालॉग मीटर दोनों का अलग अलग ऑप्शन मिल जाता है। यूएसबी चार्जिंग सॉकेट, फ्रंट में पॉकेट, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। प्राइसिंग की बात करें तो जो बेस वेरिएंट है एक्स रूम प्राइस 69,990 यानी कि 69,990 रुपये तक है। टॉप मॉडल जो क्लासिक वेरिएंट है 85,866 यानी कि 85,866 रुपये तक, जो इसका क्लासिक वेरिएंट है उसकी एक्स रूम प्राइस है। तो इस लिस्ट में जो पहले नंबर पे ये टीवीएस कंपनी की आने वाली टीवीएस स्कूटी पे प्लस है। इसके जगह पे आप टीवीएस जेस्ट को भी ले सकते हैं, लेकिन जो स्कूटी पे प्लस है इसमें आपको ज़्यादा माइलेज मिल जाती है क्योंकि इसमें केवल 87.8 सीसी का इंजन लगा हुआ है। काफ़ी स्लिम डिजाइनिंग की देखने को मिल जाती है और इसमें लगभग आपको 60 एमपीएल तक माइलेज मिल जाती है। और काफ़ी हल्की स्कूटर होती है, जिन लोगों को स्कूटर काफ़ी हल्की चाहिए होती है, कम फीचर्स के साथ चाहिए होती है, उनके लिए स्कूटर काफ़ी परफेक्ट होती है। इसके साथ ये काफ़ी सस्ती भी स्कूटर होती है। इसमें हैलोजन हेडलैम्प के साथ एलईडी डीआरएस मिल जाता है, एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिल जाएगी। प्राइसिंग की अगर बात करें तो 63,284 रुपीस से लेकर 66,184 रुपीस तक एक्स रूम स्कूटी पे प्लस का दिल्ली में प्राइस है। तो ये 8 वो स्कूटर्स हैं जो कि इंडियन मार्केट में काफ़ी अच्छी माइलेज की वजह से इसे जाना जाता है। लोग इसे इजीली परचेज करते हैं जिसमें आपको थोड़ी सी अच्छी माइलेज मिल जाए। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया कि स्कूटर से आप ज़्यादा माइलेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, अगर स्कूटी और आप नहीं लेते हैं तो उसमें आपको अच्छी माइलेज मिल जाती है। स्कूटर जैसे पुराने होते जाते हैं वहाँ पे माइलेज आपको ज़रूर कम देखने को मिल जाती है, और बाइक्स के मुकाबले में स्कूटर काफ़ी कम माइलेज देती है। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग इसे सिटी में चलाने के लिए यूज़ करते हैं, लंबी दूरी से तय नहीं करते हैं। कुछ जो ट्रेवलर्स होते हैं वो स्कूटर्स पे भी अलग अलग सिटीज से ट्रेवल करते हैं, लेकिन उनका मेन पर्पस केवल ट्रेवलिंग करना होता है, तो वहाँ पे वो माइलेज को ध्यान में नहीं देते हैं। लेकिन आप डेली यूज़ के लिए लेना चाहते हैं तो परफेक्ट जो आपको ज़्यादा माइलेज दे वो स्कूटर अगर आप ढूंढ रहे हैं तो इनमें से कोई एक आपकी पसंद बन सकती है। तो इनमें से जो आपको बेहतर लगे उसको आप ले सकते हैं। फीचर वाइज भी आपको पसंद आ सकती है, लुक वाइज पसंद आ सकती है। तो इनमें से कौन सा स्कूटर आपको पसंद है या फिर आप पहले से यूज़ करते हैं आप कमेंट सिस्टम बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।